वो बोलता सर आपका ऑर्डर 10:55 तक आपके पास पहुंच जाएगा। मैंने कहा भाई नहीं चाहिए मुझे, तू मेरा पैसा वापसी कर दे, बस मेरे को नहीं चाहिए, मेरी भूख मर गई। खाता 4 तारीख को 92 आ जाएंगे। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि आप क्या चाहते हो कि पहला मकबैंग मेरा 92 के साथ कौन से फूड आइटम्स पे हो। सुबह से पनीर नहीं। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मग बैंग। यार देखो बात है कुछ ऐसी, 8:38 पे आज मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था जोमैटो में और अभी 11:52 हो रहा है। 11:52 मूड मेरा थोड़ा सा खराब था बट खाना देख के भाई मज़ा सा आ गया। फटाफट से मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले है मेरे पास भाई राजमा मसाला, इसके बाद है कढ़ाई पनीर, पिंडी चना जिसमें ऊपर से पनीर भी डाल रखा है, पहली बार देख रहा हूँ मैं। फिर है मेरे पास वेज फ्राइड राइस, पीछे की साइड है क्रीमी अफगानी मलाई चाप, कुरकुरे स्प्रिंग रोल एक हाफ प्लेट, एक बटर नान, एक चीज़ नान, एक चिल्ली पराठा और एक रुमाली रोटी, साथ में है चटनियाँ और थोड़ा सा प्याज रख रखा है। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से करेंगे आज का वीडियो स्टार्ट ये कुरकुरे स्प्रिंग रोल के साथ। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। ओए होए तीनों कलर आ गए सुनो। शायद से मेरे को ओवर एक्सपोज लग रहा है या ठीक है। ग्रीन चिली पराठा भाई मेरा फेवरेट। भाई साहब इन यूटेंसिल्स में खाने का ना देखो एक फील तो अलग है। हाँ राजमा मसाला शक्ल देखो भाई जरा इसकी शक्ल देखो। और टाइम देखो इस टाइम पे ऐसा खाना मिल रहा है और क्या चाहिए। पिंडी चने भाई ये है मिड नाइट क्रेविंग। सुबह से पनीर नहीं, वापसी लाओ वापसी लाओ। सुबह से भूखा था भाई मैं। वाह मजा आ गया। यार देखो मैं ना प्री शूट कर रहा हूँ क्योंकि कल मुझे दोबारा निकलना है दिल्ली के लिए। भानु भाई आ रहे हैं 3 तारीख को, तो एक दो दिन पहले जा रहा हूँ। वो लैंड करेंगे और फिर वो वहाँ नहीं रुकेंगे, उनको चाहिए कि वो देहरादून वापसी आए। रात को 2:30 बजे उनकी फ्लाइट लैंड हो रही है, कहते नहीं मैं देहरादून ही वापसी आऊँगा। तो ये तो मेरा नुकसान हो जाएगा ऐसे कि जाऊँ और लेकर आऊँ इससे बड़े तो कैब। बट जब जाना ही है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दो दिन पहले चले जाऊँ। कढ़ाई पनीर भी जरा ट्राई कर लें यार, बना तो बेहतरीन रखे हैं, वॉक इन वुड से मंगा रखे हैं सारे आइटम्स। भाई वॉक इन वुड्स आधी रात को आपने ऐसा खाना सर्व करके ना इज्जत कमा ली मेरी। मज़ा आ गया अफगानी मलाई चाप। ओए होए निकोड़िया आया है, शक्ल देख लो भाई साहब।
ये है बटर रुमाली रोटी वॉक इन वुड्स की। नॉर्मल रुमाली रोटी नहीं है ये। मैं ये बता रहा था कि मैं प्री शूट कर रहा हूँ, अभी तक कमेंट्स आए भी नहीं है जो मैं ले लूँ प्रीवियस मंथ बैंक के। तो इसलिए आज रीति रिवाज पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ जोमेटो के द्वारा मेरे साथ क्या हुआ। स्क्रीनशॉट्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, और ये राजमा भी बीच में देखते रहो। प्रीवियस से प्रीवियस मत बैंक में एक ने कमेंट कर रखा था कि श्री साई चाप से मंगा के खाओ, दिव्या ने भी उसी के लिए बोला था, तो मैंने वहाँ से मंगाया भाई 838 पे। तो एक घंटा तो वो ऑलरेडी खुद दिखा रहा था, एक घंटा हो गया, उसके बाद 25 मिनट डिले, ठीक है। चीज़ नान खाने से पहले थोड़ी देर रुक जाते हैं, तब तक बटर नान निकाल लेते हैं। उसके बाद थोड़ा और डिले हुआ, तब मैंने वो चैट सपोर्ट से बात करी, मैंने कहा क्या सीन है, तो उन्होंने बोला कि 10:08 तक आपका ऑर्डर आपके पास पहुंच जाएगा। मैंने कहा ठीक है। 10:10, 10:15 हो चुके हैं, मैंने फिर से चैट सपोर्ट से बात करी, ठीक है। इस बार ही शायद से उन्होंने कॉलिंग का सिस्टम ही हटा दिया था, वो टेक्स्ट पे और थी बात। तो ये भाई बोलता है कि ठीक है अभी भी थोड़ा सा वो प्रिपेयर हो रहा है, तो 10:22 तक आपके पास आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा। मैंने कहा भाई 2 घंटे होने वाले हैं, मेरी भूख मर चुकी, इतनी देर तक कौन खाने का वेट करता है, आप एक काम करो मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो, मेरे को पैसा रिफंड कर दो ताकि मैं कहीं और से ऑर्डर कर पाऊँ। कहता सॉरी सर ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे एंड पे, कि आप बस वेट कर लीजिए, 10:22 तक आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, प्लस क्योंकि आपका ऑर्डर टाइमली फुलफिल नहीं हुआ है तो आपको उसका कुछ रिफंड मिल जाएगा, 50-100 रुपये रिफंड मिलता है। मैंने उसके मुंह पे बोला, मैंने कहा भाई 50-100 रुपये इसका रिफंड मिलना है, उससे मेरी भूख का कुछ नहीं होने वाला है, 8:48 से 8:38 से मैं वेट कर रहा हूँ और तू ऐसी बातें कर रहा है कि रिफ़ंड मिल जाएगा। मैंने कहा हो सके तो भाई मेरा पैसा रिफ़ंड कर दो। कहता नहीं हो सकता सर। मैंने कहा ठीक है थैंक यू। 10:22 भी हो गया, फिर मैंने तीसरे चैट सपोर्ट से बात करी, वो बोलता सर आपका ऑर्डर 10:55 तक आपके पास पहुंच जाएगा। मैंने कहा भाई नहीं चाहिए मुझे, तू मेरा पैसा वापसी कर दे, बस मेरे को नहीं चाहिए, मेरी भूख मर गई खाता। तो उसने कहा ठीक है मैं डिलीवरी पार्टनर से बात करता हूँ, तो अपने डिलीवरी एजेंट को उसने कॉल करा होगा, कॉल नहीं उठा उसने। उसने कहा ठीक है सर मैं आपका कैंसिल ही कर देता हूँ क्योंकि हमारा डिलीवरी पार्टनर भी अब कॉल नहीं उठा रहा है। 2 घंटे भाई, 2 घंटे इन्होंने मेरे को ऐसे रुलाया है, और उसके बाद इनका खुद का डिलीवरी पार्टनर भी कॉल नहीं उठा रहा है, और वो श्री साई चाप वाला, उससे मैंने 2 बारी कॉल पर बात करी, 2 बारी। जितना भी बिजी रहता हो, कुछ भी रहता हो भाई, अगर बिजी हो ऑर्डर मत लो, एटलीस्ट किसी की भूख के साथ ऐसे मत खेलो भाई। 2 घंटे कौन वेट कराता है। और उस श्री साई चाप है उसका नाम, उसने मुझे 2 बारी ये बोला कि बस 5 मिनट में ऑर्डर आपका तैयार हो रहा है, बस 5 मिनट में। एंड मोमेंट तक 2 घंटे बाद तक उधर प्रिपेयरिंग लिखा हुआ आ रहा था। मेरा बहुत मूड ख़राब था, बट इस खाने की शक्ल देख के अच्छा हुआ। फिर रात को इस टाइम पे जो रेस्टोरेंट मुझे मिला, जो सबसे जल्दी डिलीवर कर रहा था, उधर से मैंने खाना मंगा लिया। दिल से मन था मेरा डोमिनोज़ ऑर्डर करने का, क्योंकि मैं लेट नाइट डोमिनोज़ ही ऑर्डर करता हूँ, बट मेरे लास्ट दोनों वीडियोस में पिज्ज़ा था, इसलिए मैं सोचा नहीं करता। फिर मेरा मन रुका ब्लैक पेपर पे, बट ब्लैक पेपर 1-1.5 घंटा लगा था। भाई यह चीज़ नान बहुत बेहतरीन टेस्टी हो रहा है, मैं इसे ऐसे भी खा सकता हूँ हरी चटनी के साथ।
मार्केट में चल रही है जोमेटो की मोनोपोली। स्विगी भी करता है बट उसका ज्यादा रेस्टोरेंट के साथ यहाँ टाई अप नहीं है देहरादून में। अगर होती ना कोई और सर्विस फूड डिलीवरी की, मैं जोमेटो कट ऑफ कर देता, सीधा कट ऑफ। मैंने थोड़ी थोड़ी ना जगह खाली कर दी है पनीर और अपना राजमा से, पनीर कह रहा हूँ, पिंडी चना और राजमा से। इनको चावल के साथ खाने में भी एक अलग ही स्वाद आता है, बल्कि बहुत सारे लोग राजमा चावल और छोले चावल प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ राजमा रोटी या फिर छोले रोटी, चना रोटी, जो भी कह रहा हूँ। ज़रा एक बार ऐसे भी चख लें भाई, शक्ल तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रही है इन फ्राइड राइस की। स्वाद आ गया। थैंक यू सो मच वॉकिंग वुड्स, आपके खाने की वजह से ना मतलब दिल खुश हो गया। रात को इस टाइम पे मेरे को उम्मीद नहीं थी कि देहरादून में कहीं से भी मुझे ढंग का खाना मिलेगा, क्योंकि रात को फिर वो क्लोजिंग टाइम रहता है। भाई शक्ल देखा यार, मेरे पास भाई शब्द नहीं है। राजमा इतनी टेस्टी हो रही है ना यार, रोटी के साथ वो टेस्ट उभर के नहीं आ रहा था जो चावल के साथ आ रहा है। होए होए, मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बोला ना कि खाना और फ्रेग्रेंसेस दो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को ना नॉस्टैल्जिक कर देती हैं। मैं किसी ना किसी पुराने टाइम में पहुंच जाता हूँ। किसी तो रामनगर की शादी में मैं गया था, रामनगर काशीपुर की शादी में, जहाँ राजमा बनी हुई थी बहुत बेहतरीन, और वो राजमा खा रहे थे मैं पूड़ी के साथ और चावलों के साथ। डिट्टो यही टेस्ट था। चार तारीख को भानु भैया आ जाएंगे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि आप क्या चाहते हो कि पहला मकबैंग मेरा भानु भैया के साथ कौन से फूड आइटम्स पे हो। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट बहुत लॉन्ग ग्रेन राइस है ये। दाना दाना अलग अलग हो रखा है, परफेक्शन के साथ इसे बना रखा है। एक हल्की सी कॉमेडी हो गई थी जब इतने 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद ये ऑर्डर आया ना, पहला आइटम खोला तो वो था ये कढ़ाई पनीर, दूसरा आइटम ये था और इसमें ऊपर पनीर ही पनीर दिख रहा था। मैंने कहा ये हो गया, ये इसने गलत ऑर्डर दे दिया और आज वीडियो की ऐसी की तैसी हो जाने वाली है। तब मैंने ज़रा नीचे खंगाला तो चने दिखे भाई, मैंने कहा ओहो ऐसा कुछ है यार। हालत ख़राब हो गई थी लेकिन उस टाइम मेरी। ऐसे खाना ना भानु भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है, चटनी चुटनी जितनी चीज़ें मिल रखी है ना वो सब डाल देंगे, और वो चीज़ ना काफ़ी ललचाने वाली भी होती है एक्चुअली। बट मुझे ऐसा होता है कि ओरिजिनल टेस्ट के साथ हिंडल नहीं करना है।
लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ मैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही अंधा पैसा छाप रहा हूँ। मतलब किसी से उम्मीद रखना ठीक है, बट उस उम्मीद को एक्सीड नहीं करना चाहिए। जैसे जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, जब से मतलब ये चैनल थोड़ा सा ग्रो हुआ है, आई बिलीव 2021 स्टार्टिंग से मेरे पे बहुत लोग के मैसेज आते हैं कि इस चीज़ के लिए हेल्प कर दो, इस चीज़ के लिए डोनेशन दे दो। इतना कमाई हो जाती है टच वुड, बट इतनी भी नहीं होती है कि कोई भी कुछ भी बोले तो मैं उसको फिर पैसा दूं। जैसे रिसेंटली मेरे पास आया था कि भैया मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, मेरे को पढ़ाई करनी है, ऐसा वैसा। अब यार कैसे बिलीव कर सकते हो आप? अब अगर वो मेरे से 20,000 रुपये मांग रहा था, मेरे लिए अगर 20,000 रुपये बहुत छोटी सी अमाउंट होती तो मैं एक बारी को चलो दे भी देता कि यार सच बोल रहा है तो ठीक है, झूठ बोल रहा है तो अपने लिए ही झूठ बोल रहा है। बट भाई 20,000 मेरे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और मैं ऐसे बेवकूफ़ भी बन रखा हूँ। एक आधा व्लॉग में मेरा नंबर हो गया था ना लीक, तो उस टाइम जैसे एक दो लड़कों के मैसेजेस आए थे कि भैया आपका नंबर है उसमें, आप व्लॉग हटा दीजिए, तो व्लॉग से मैंने वो वाला पोर्शन हटाया। नेक्स्ट मकबैंग में बताऊंगा अगली बार, वरना ये वाला लंबा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। बेसिकली उसने मेरे से किसी तरह पैसे निकलवाए और उसके बाद वो दिखा नहीं, बट नेक्स्ट मकबैंग में बताऊंगा। ऑलमोस्ट अब 1 घंटा होने भी वाला है अपना, 12:40 हो चुके हैं भाई। अभी 10 मिनट यहाँ की साफ़ सफाई में लगेगा, 20 मिनट मैं वॉक करूँगा, 1:30 बजे तक अपनी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि सो जाऊँ, क्योंकि कल सुबह जिम भी जाना है। बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ रहा है एंड में खाना, अदरवाइज भाई मैं निपटाता, बहुत बेहतरीन हो रहा है खाना। आई जस्ट होप आप लोगों को आज का मकबैंग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल गेट यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पसीना टपक रहा है मेरे चिन से। पीस।